बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम मैंने डाल दिया है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान और आप लोगों के लेवल पे सिंपल चैप्टर है। हालांकि इसमें से काफ़ी चीज़ें डिलीटेड हैं, बट आप जानते हैं कि मेरे यहाँ पे कोई चीज़ डिलीटेड नहीं है, तो हम लोग सारा पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ आपको बोर्ड्स के लिए पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। बट इफ़ यू आर अगेन गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई भी टॉपिक हमारा नहीं छूटेगा, ना ही मैं छोड़वाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और मैं उस तरीके से स्टार्ट नहीं करूंगा जिस तरीके से एनसीईआरटी दे रखी है ना। आप जानते ही हो सर, आपका तरीका सर थोड़ा सा रसर रहता तो हैटपटा सा, पर सर ठीक है, समझ आ जाता तब तक ठीक है भाई। तरीका कैसा भी हो अगर समझ में आ रहा है तो कहानी ठीक है ना, है ना। अब देखो ध्यान से, चैप्टर का नाम क्या कहता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब पहले तो मैं आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी करा चुका हूँ, एक बैच तुम्हारे बैच में से करा दिया है, एक बैच में नहीं हुआ, बात अलग है, तुम्हारे बैच में कुछ बच्चे के तो हो गए हैं, ठीक है, दूसरे बैच में करा दूंगा, टेंशन ना ले, करा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, आप लोगों को ध्यान से सुनना इस बात को बेटा, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोगों को सीधा मैग्नेटिज्म से शुरू करा दिया जाता है ना। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर किससे शुरुआत कराऊंगा बेटा, पहले करंट वाले टॉपिक से, करंट वाले टॉपिक से, उसके बाद मैग्नेटिज्म पे लेके जाऊंगा। तो आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा और कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी और कंपेरेबल प्रॉपर्टीज रहेंगी, ध्यान सुनना, कंपेरेबल प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। और जो चार्ज आता है सर, ये आया था हमारे पास ne अपॉन में टाइम, क्योंकि q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ne होता है और अपॉन में टाइम, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास करंट आता है सर, ये करंट हमारे पास क्या बनाता है, क्या बनाता है, कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन भाई। इलेक्ट्रॉन जब टाइम के साथ मूव करेंगे तभी तो करंट बनेगा, ठीक है। तो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स को समझाने से पहले जो हमसे चैप्टर कहना चाह रहा है, किसकी वजह से आ रहे हैं, करंट की वजह से, तो पहले करंट की जो प्रॉपर्टीज है उनको पहले बेसिक्स को करते हैं, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अब मैं ई तो हटा रहा हूं, मैं बेसिकली क्यू का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा दिया है, अभी मैं क्यू का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास चार्ज का नेचर दो तरीके का होता है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्या पहला चार्ज आपको पता है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज बेटा आप लोगों को पता है नेगेटिव, राइट। इसमें भी आपको पता है कि सर जो सेम चार्ज होते हैं सर वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बेटा रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जहां पर ही प्लस क्यू चार्ज होगा और जहां पर ही माइनस क्यू चार्ज होगा वहां पर हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स होगी, और जहां पर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा वहां पर रिपल्शन होगी। अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स तो लगेगा, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज की वजह से, तो चार्जेस एट रेस्ट की वजह से जो हमारे पास फोर्स आता है उसकी वैल्यू होती है के क्यू वन, चलो इसको मैं क्यू वन और क्यू टू लगा लेता हूं, तो के क्यू वन क्यू टू ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं बेटा, उस डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय स्क्वायर। ये के हमारे पास एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught होती है, इतना जानने की आप लोगों के लिए अभी आवश्यकता नहीं है, और इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 9 into 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों को ये सब चीजें नहीं जाननी है, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो अभी यहाँ पे बस चार्ज का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैं उसको सीधा किससे रिलेट करूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब सुनिए, हमें ये बात पता रहनी चाहिए कि जो चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से चीजें रेडिएट आउट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से चीजें निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से चीजें निकलेंगी, नेगेटिव पे चीजें आके मिलेंगी, नेगेटिव पे चीजें आकर मिलेंगी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज से कुछ निकल रहा है, तो चार्ज की वजह से कौन सा फील्ड आया यहाँ पे हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो इस चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो जो इससे लाइंस निकलेंगी वो लाइंस कौन सी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सी लाइंस होंगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये चार्ज है, इसकी वजह से हमारे पास जो चीज होगी वो निकलेगी, ऐसे निकल रही है,
ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, सारा निकलेगा, सारा कुछ निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर तो मेरे पास यहाँ पर q है और दूसरा माइनस q है, ये प्लस q है, कोई साइन नहीं लगाया तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज मूव करके यहाँ जाएगा, ये चार्ज ऐसे मूव करके यहाँ जाएगा, ये चार्ज ऐसे मूव करके जाएगा, ये चार्ज ऐसे मूव करके जाएगा। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि नेगेटिव पे जाकर चीजें क्या हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही है। लेकिन ये कहीं कहीं पे खत्म हो गई ना, ये कहीं कहीं पे खत्म हो गई ना। मेरी बात ध्यान सुनेंगे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। ये जो कहानी है इलेक्ट्रिक की यहीं पर खत्म हो जाती है, ये कहानी इलेक्ट्रिक की यहीं पे खत्म हो जाती है। आप लोगों के लेवल पर मुझे इससे ज्यादा नहीं बताना था, बस मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि चार्ज से चीजें निकल रही हैं पॉजिटिव वाले से, और नेगेटिव वाले से चीजें जाके वहां पर टर्मिनेट हो रही हैं। खत्म कहानी, ये इलेक्ट्रिक की कहानी है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसे करंट क्यों बोला गया है ये तो हम लोग आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे उसमें समझेंगे। लेकिन अब मैं अब आप लोगों को पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको समझाता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? हमें पता है सर मैग्नेट की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सर वो किस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से थी? चार्ज की वजह से। तो ऐसे ही अगर आपसे बोलेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी, तो आप कहोगे सर मैग्नेट की वजह से। अब मैग्नेट में हमारे पास दो पोल होते हैं, क्या होते हैं? दो पोल होते हैं। अब ध्यान सुनना बेटा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बार मैग्नेट का बता रहा हूं, और अभी मैं आप लोगों की सारी प्रैक्टिस यू शेप मैग्नेट पे भी कराऊंगा बेटा। इसके अलावा आप लोगों का सर्कुलर मैग्नेट से हमारे पास कैसी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो भी सारी चीजें मैं करवाऊंगा, पर पहले एक बार बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इन सब पार्ट पे आऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो देखना है वो ये देखना है कि जो हमारा ये वाला मैग्नेट है बार मैग्नेट, ये बिल्कुल सर इसी की तरह काम करेगा। कैसे सर? सुनो, हमारे मैग्नेट में दो पोल होते हैं। आप अर्थ को लेकर चलिए, हमारे अर्थ के दो पोल हैं, पता है आपको, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर की तरफ है, और हम लोग नॉर्थ पोल को बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो नॉर्थ पोल को हम लोग किसकी तरह ट्रीट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो इधर की तरफ मैं क्या रख देता हूं अपने मैग्नेट का? नॉर्थ पोल। और इधर की तरफ मैं क्या रख देता हूं? साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे चीजें आके खत्म होंगी या फिर यहां से चीजें निकलेंगी? निकलेंगी। तो इसका मतलब हमारे पास नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा? ओरिजिनेट होती हैं। और साउथ पोल पे आके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा हमारे पास? बताओ, टर्मिनेट होती हैं। ये कहना सही है? नहीं। अब सुनो सर, आपने यहां तो यही बताया, तो बेटा बेवकूफ हो गया? यहां इलेक्ट्रिक पढ़ा रहा हूं, यहां मैग्नेटिक पढ़ा रहा हूं, यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे आके टर्मिनेट हो ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इसके एडिशनल में एक प्रॉपर्टी है। तो बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहले हम लोग शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से बेटा? नॉर्थ से। एंड कहां पे करती है हमारे पास, कहां पे रीच करती है? रीचेस टू साउथ। पर यहां पे अगर बोल दूं टर्मिनेट्स टू साउथ, गलत हो जाएगा सर। क्यों? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें बताता हूं। ये मैग्नेट है, इसके बाहर की कहानी सुनो, इसके अंदर की कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। जब ये बाहर की कहानी कुछ ऐसे है कि हमारे पास ये नॉर्थ से साउथ में चला जाएगा, कहां जाएगा ये? नॉर्थ से साउथ में। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, क्लियर है? ध्यान से सुनते जाना। साउथ पोल पे पहुंचने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद रखना कि जो MFL लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि दे ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप्स। क्या होता है बेटा? दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। अब आप लोगों में से एक बच्चे ने पूछा था कि सर वो सर स्कूल ने बताया था कि मतलब अंदर डायरेक्शन कुछ और होती है, बाहर डायरेक्शन कुछ और होती है, सर रीजन तो पूछा सर, समझ में नहीं आया। बेटा आएगा, मेरे को दो मिनट दो, मैं आपको सारा रीजन समझाऊंगा, एक मिनट और दो, बस इसी के आएगा। बस इस पॉइंट को आप समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज 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 मतलब हमेशा,
सर कोई चांस नहीं है सर, अगर बड़ा हुआ छोटा हुआ, हाँ हो सकता है उनका डोमेन कम हो पर बनाएगा क्लोज लूप ही। डोमेन का मतलब सर एरिया, पर बनाएगा हमेशा क्या क्लोज लूप ही बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। अगर ये क्लोज लूप बना रहा है तो क्लोज लूप का मतलब क्या है कि बेटा यानी कि पाथ कंप्लीट कर रहा है, तो यानी कि अगर यहां से आ रहा है तो बेटा ये बेसिकली इसके साथ मिलेगा ऐसे ऐसे, तो तभी तो क्लोज लूप बनेगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन है वो तो हमारे पास होती है आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कहां से कहां से होती है बेटा, नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ रहा है ना, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसी चीज को ये कर देता हूं, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन कहां हो रही है, देखो मैग्नेट के अंदर देखो, अंदर देखो कहां है ये, कौन सा पोल है ये, कहां है, तो ये डायरेक्शन ये वाली है, ये डायरेक्शन है। तो कैसे जा रही है बेटा, एरो देखो इसका किधर से किधर जा रहा है बताओ, बोले दिखाया तेरे को, समझ में भी आ रहा है कुछ, तो ये साउथ टू नॉर्थ हो गया बेटा। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हमारे पास ये क्लोज लूप बनाती हैं इसीलिए डायरेक्शन उल्टी होती है, बाहर अलग और अंदर अलग। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर। अब ये सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो आप लोगों को एक चीज पता होगा कि आप लोगों के पास एक ऐसा यंत्र आता है गोल गोल सा, ठीक है, और उसमें हमारे पास यहां पर कुछ ऐसे एक एरो होता है जो कि रेड कलर का पॉइंटेड होता है, कई मैग्नेट में यहां पर ऐसे ब्लैक कर देते हैं या फिर खाली छोड़ते हैं, डिपेंड्स। पर ये जो रेड वाला होता है, जनरली जो रेड पोर्शन होता है, ये जो रेड पोर्शन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ। कौन सा नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक, अर्थ की ज्योग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ है उसको पॉइंट करता है बेटा, याद रखना। मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ में क्या अंतर है अभी नहीं जानना, ठीक है। ये अर्थ मैग्नेटिज्म जो कि इवन 12th से भी डिलीट कर दिया है ना, मैं पढ़ाता हूँ, टेंशन ना, 12th में आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, इवन वीडियो भी बड़ी जल्दी होगी शायद। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो रेड होगा ये हमारा किसको डिनोट करेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। और अब अगर मैं ध्यान सुनना, एक मैग्नेटिक कंपास को यहां पर लाके रख देता हूं नॉर्थ पोल के पास, तो नॉर्थ का नॉर्थ क्या होगा, रिपल्शन, सेम पोल क्या करते हैं, बताया था मैं तुम्हें, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। तो ऐसे यहां पे सेम पोल क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल करेगा। तो बेटा यहां पर आप लोग याद रहे कि सेम पोल रिपेल करेगा। तो अगर आप इस मैग्नेटिक कंपास को लाकर यहां पर रख दोगे, अगर आप इस मैग्नेटिक कंपास को लाकर यहां पर रख दोगे तो आप लोगों के पास कहानी कैसी आएगी कि सर नॉर्थ की तरफ जो सीकिंग होगा वो तो साउथ होगा और नॉर्थ जो अवे होगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो सर इसमें अगर आप एक डायग्राम बनाओगे अपना तो वो कुछ सर इस तरीके का बनेगा कि सर नॉर्थ दूर और साउथ इसके पास, ये देखो ये आपका नॉर्थ, ठीक है, ये बन गया। अब आप इसी कंपास को अब यहां पर जो आपने बनाया इसको आगे रखोगे तो सर आपको सेम चीज मिलेगी, सर आपको ये ऐसे और सर नॉर्थ इससे दूर होता जाएगा और ये, हाँ बेटा, और ये फिर इस तरीके से ऐसे जाएगा, पॉइंट करता जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ होते 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 देखो यही बना रहा हूं मैं, पीछे साउथ रहेगा, यहां पर बना रहा हूं डायरेक्ट, पीछे क्या रहेगा साउथ और आगे की तरफ क्या बन रहा है बेटा मेरा, कहानी समझ में आई। और ये जो पैटर्न है, ये जो इसका आता है, यही हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक कंपास को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो जहां पर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जा रहा होगा। समझ में आया, तो इफ अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास इज हेल्ड फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल अलाइन इन सच अ वे दैट इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होंगी उसकी तरफ हमारा वो पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीन, पहला ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड रीचेस टू साउथ, टर्मिनेट्स नहीं लिखेंगे बेटा,
जहाँ पे टर्मिनेट लिखा हुआ है ये थोड़ा सा गलत लिखा है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ना रिफ्रेशर जो आप यूज कर रहे हैं, बट वो गलत है, मैंने आपको सच बता दिया है, ठीक है, है ना। ओरिजिनेट फ्रॉम, ये आउटसाइड डायरेक्शन हो गई, इनसाइड डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है, यहाँ तक सारी प्रॉपर्टी क्लियर है। अब ध्यान सुनना बेटा, आप लोग जब मैग्नेट के पास में जाएंगे, पोल्स के पास जाओगे, तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे ना क्राउडिंग काफी ज्यादा है, यानी कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारे पास थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। और अगर यहीं पर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है हमारे पास, और जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो ये देखो ऐसे, ये कितनी ज्यादा नहीं है ना, लेकिन देखो क्राउडिंग ज्यादा कहाँ पे दिख रही है, तुम्हें बताओ बीच में दिख रही है या फिर पोल्स पे दिख रही है, पोल्स पे। तो जो पोल्स पे क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है ये क्या बताना चाह रहा है, तो आप कहना सर ये बताना चाह रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, क्या बताना चाह रहा है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो बेटा अगला पॉइंट आएगा कि जो स्ट्रेंथ है किसकी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की, इज मोर कहां पर बेटा, कॉर्नर पे या सेंटर पे, एंड्स पे, है ना, इज मोर एट द एंड्स ऑफ मैग्नेट। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि ओवर क्राउडिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप कहना कि सर ओवर क्राउडिंग बता रही है हमें वहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रेंथ क्या है उसकी काफी ज्यादा है। समझ में आ रही है बातें, क्लियर है यहां पर कोई। अब अगली चीज आप लोग ध्यान सुनेंगे, अगर मैं यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास रख देता हूं सपोज कर उलाकर, ठीक है, तो आपको पता है कि सर ये मैग्नेटिक कंपास ना इधर की तरफ नॉर्थ बताएगा, इधर की तरफ साउथ बता देगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आएगा पक्का आएगा, ये कहता है हमसे कि भैया अगर आप लोग दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करा दो तो क्या होगा, ठीक है। चलो मैंने कहा सर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये और सर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस करा देता हूं, ठीक है। चलो मैं कंपास यहां पे लेके गया, इसने कहा कि सर इधर जा रही है तो पक्का भी इधर की तरफ आ रहा था, कौन सा पोल होगा, नॉर्थ की तरफ बताएगा, मैं ओरिजिनेट हुई है इसका मतलब यहां से नॉर्थ चला है ना, कहीं से नॉर्थ से तो ओरिजिनेट हो रही है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आएंगे आगे की तरफ से नॉर्थ होगा हमारा इस डायग्राम के हिसाब से, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एरो इधर लगा रखा है, एरो इधर लगा रखा है, इसका मतलब ओरिजिनेट यहां से हुई है, ठीक है ना, तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगी, तो ये नॉर्थ पोल है सर, हां सर समझ में आ रहा है सर, ये भी नॉर्थ पोल है सर, हाँ ठीक है बेटा, इसके पीछे साउथ भी होगा। आप देखो जरा ध्यान से, जब तुम इस पॉइंट पर आओगे इस मैग्नेट के लिए भी, तो भाई हमारे पास ये नॉर्थ पोल जा रहा है, ये साउथ पोल जा रहा है, ऐसे ये नॉर्थ पोल जा रहा है, ये साउथ पोल, अब इस पॉइंट पे आ गए, अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे क्या कहानी आएगी, नॉर्थ पोल इधर मानोगे या इधर मानोगे सर, इधर है किस पे, लाइन तो ये रही ना, यहाँ पे लाइन दोनों तरफ है, ऊपर भी जा रही है इधर भी जा रही है, बता भाई तेरे ये किधर लगाओ, चल तू जो कहेगा तेरी बात मान लो, बता किस पे मान लो, तेरी बात आज तक मानी है मैंने, है बता भी रहा है इधर वाले से मान लो, और कोई ये बताना चाह रहा है मुझे किधर लगेगी, है मानिए किसी की बात मैंने आज तक नहीं मानूंगा, होती है गलत बोल रहे तुम लोग, गलत बोल रहे, आप बोलो कि सर अगर ऐसा हुआ तो ये तो सर एक पॉइंट पे दो नॉर्थ दिखाएगा, ये इधर भी नॉर्थ दिखाएगा सर, इधर भी नॉर्थ दिखाएगा सर, ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारे यार के दो नॉर्थ हो, नहीं है ना, तो इसीलिए हमारे पास इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, नेवर मतलब नेवर कभी नहीं सर कोई एक पॉइंट पे नेवर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और अगर ऐसा किया तो सर क्या बेटा, इफ दे डू सो, इफ दे डू सो इट विल पॉइंट टू डायरेक्शन एट सिंगल पॉइंट, पॉसिबल है नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, कितना ही कह लो करेंगी नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है पक्का, आगे चलें। अब यहां पर तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी, अभी मैंने आप लोगों को जो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग है ना मैंने वो नहीं बताया, चलो मैं तुम लोगों को एक बार एक छोटा सा वो बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कैसे हुई थी, तो उसकी कहानी सुन लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, वो पर्सी और मैग्नेटाइट वाली कहानी तो अलग है ना, एक भेड़िया था है ना, एक मतलब वो भेड़ चराता था एक आदमी, और वो वहाँ पे ना पत्थर थे मैग्नेटाइट के,
तो वहाँ पे क्या होता था, भेड़ बकरी चराते थे, और वो जो भेड़ बकरी जो चराते थे वो डंडा रखते थे अपने आगे, और जो डंडा अपने आगे रखते थे उसके आगे ना वो लोहे का सा कुछ लगाया जाता, ताकि जो है डंडा ऐसे घिसड़ते हुए चलते हैं ना लोग, तो डंडा जल्दी खराब ना हो या उस चीज से बचाने के लिए एक्स वाई जेड और भी रीजंस हो सकते हैं, उससे आगे क्या चिपका के रखते थे वो डंडे के, लकड़ी के डंडे के आगे क्या रखते थे वो मैग्नेट रखते थे, क्या रखते थे वो उसका मैग्नेट लगा के मेटल लगा के रखते थे, जनरली आयरन का होता था मैग्नेटिक मेटल। ठीक है, अब हुआ क्या, एक दिन वो ऐसे रास्ते से अपनी भेड़ वगैरह को चरा के जा रहा होगा, तो मस्ती वस्ती है, जरा ऐसे डंडे पे मार दिया होगा, डंडा मार दिया, किस पे, पत्थर पे मार दिया, किस पे मार दिया, वो पत्थर पे मार दिया। अब वो जो पत्थर पे मार दिया उसने, तो उसे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरा डंडा कोई पकड़ रहा है। अरे बेटा तू गलत समझ रहा है, मेरा मतलब वो वाला डंडा जिसके आगे कैप लगा हुआ है वो लकड़ी का है ना, तो नालायक हो सुधर जाओ। तो उसने देखा कि यार ये जो मेरी स्टिक है, जो मेरी स्टिक है इस पे कोई ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ से पकड़ गया, वो छोड़ दिया, वो डर गया। अब तुम सोचो आज मैं यहाँ हूँ, कल मेरे बाल ऐसे खड़े हवा में पड़ा रहा हूँ, बच्चो तुम तो भागो ना, पहले कौन आ गया भाई, पहली बार के तो अलग ही लगेगा ना बेटा, जब सामने आएगी ना फोटो भी नहीं आती उसकी, हाँ ठीक है। तो बेटा पहली बार डर गया, वो डर गया, अब डंडा जाए, डंडा लग गया, फिर वो डंडा हटा है, वो जैसे ही कहने लगा भूत भूत भूत, उसके पैरों में जो है वो चोबे ठुके हुए थे भाई, चप्पल पैर जो चप्पल होते थे उसमें मतलब लकड़ी की थी, उसमें चोबे ठुके हुए थे। अब हल्के से उसका पैर लग गया होगा, अब क्योंकि पैर में भी आपके चोबे थे मेटल था, अब वो पैर ही पकड़ रहा होगा, अरे पागल आदमी है, कोई है अंदर इसके, डंडा पकड़ रहा था पहले, मुझे पकड़ रहा है भाई। जैसे जैसे वो भाग भाग के अपने गाँव में गया, वो कहता है भाई भूत 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 भूत, लोगों ने कहा क्या हुआ, तो अच्छा हुआ इंडियंस नहीं थे, वरना वो दूध लेके चले जाते चढ़ाने, बाबा बना देते कोई सा है ना, फिर पूजा करते, कोई बात नहीं बेटा, ये तो गलत है ना। देखो आप विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं, ठीक है ना, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, भक्ति करो लेकिन अंधभक्ति नहीं, क्योंकि डर से फिर बिजनेस बन जाता है, जो कि बहुत गलत है, है ना। कैमरा ऑन हो या मैं सही बात कहने से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो मेरी बात अब ध्यान से, जब वो गए वहाँ पे लोगों को बुला के लेके आए, तो जब लोगों को बुला के लेके आए तो वहाँ पे किसी ने बताया यार ये ऐसा नहीं है, इतने लोगों को नहीं पकड़ रहा, एक्चुअली ये ना इस प्रॉपर्टी है, इस स्टोन की प्रॉपर्टी है, और ये स्टोन जैसे पहले सबसे पहले पैकेट पाया होता लोड स्टोन, लोड स्टोन, और जो जगह थी उसका नाम था मैग्नीशिया, तो नाम के पड़ गया मैग्नेट, यहाँ से पढ़ाया उसका नाम, सब लोगों ने लड़ाई नहीं की कि ये मेरे नाम पे होगा, मेरे नाम पे होगा, नहीं वो जगह ही मैग्नीशिया थी, तो मैग्नेट के नाम पे कर दिया, मेरे नाम पे क्या, ये लोग कहते ना ये मेरे नाम पे है तो मेरे नाम, नहीं लोग आजकल कहते हैं, पर इसके लिए भी अब साइंस वाले लोग हैं तेज हो गए हैं, जैसे आप एलिमेंट की डिस्कवरी करोगे ना, तो पहले जो है रदरफोर्डियम, सीबोर्जियम, डीबोर्जियम, ये सारे एलिमेंट तो पहले अपने उनके नाम पे रहते थे, लेकिन अब जो है कह दिया कि आगे जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे इसके लिए अन उन इनियम ऐसे कर दिया, मतलब वो अलग चीज़ है, तो लोग भी तेज होते जा रहे हैं, हाँ लेकिन कुछ अच्छी डिस्कवरी करते हैं तो साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं, तो वो तो मैग्नीशियम पाएगी, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट रख दिया। ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया था सभी एलिमेंट, रदरफोर्डियम रदरफोर्ड के नाम पे ही, बेटा सारे एलिमेंट की लिस्ट है 103 104 ऐसे 170 सारे एलिमेंट की लिस्ट है ना। अब जैसे अगर तू 103 का नाम पूछे, मेरे से पूछेगा, ये यार तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड हो सकता है, पहले 10th के सिलेबस में था, मैं पढ़ाता था और अच्छा चैप्टर था, ये पूरा 11th में आता है। तो वन को कहते हैं अन, इसको कहते हैं निल, और इसको कहते हैं ट्राई, तो अन निल ट्रियम बन जाता है इसका, लेकिन ये सब अभी हमारे 11th क्लास की केमिस्ट्री में आएगा, तो जो केमिस्ट्री वाली मैम है उनसे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक समझ आया कहाँ से हुआ, लेकिन और ओरिजिन ऑफ जो अभी थ्योरी है उस, ये तो हमारे पास होगा कि मैग्नेट था, पर मैग्नेटिक फील्ड की जो ओरिजिन थ्योरी मानी जाती है वो ऐसे माना जाता है कि जो अर्थ है हमारे पास, इसके कोर में क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे डेंस एलिमेंट्स है, कोर में क्या है हमारे पास एलिमेंट्स है, कई सारे डेंस एलिमेंट हैं, और ये जो कोर है हमारे पास इसके जो बेटा डेंस एलिमेंट हैं, बेसिकली अगर एलिमेंट है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एलिमेंट यहाँ पर है, और इतना टेम्परेचर है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से, ध्यान रखना इस चीज को, हाई टेम्परेचर की वजह से आप लोगों का
जितना भी अच्छा एलिमेंट हो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो इलेक्ट्रॉन निकला, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन एक को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या बन जाता है, करंट बनता है। और उस करंट, मूविंग करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर का जो नाम पड़ा हुआ है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका बेस ये है, उसका बेस ये है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आया, वो ऐसे, उससे कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट बना, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि जब भी कॉइल या कोई भी करंट समय के साथ मूव करेगा तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी बच्चे को, आगे चल सकता हूँ। अब सुनो ध्यान से, आप लोगों से हालांकि अभी इसके इसी की वजह से बेस जो बताया ना, इसी का यूज करते हुए आपको दो तीन चीज समझाऊंगा, फिर बेशक से आज के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास इतनी रखूंगा, छोटी रख दूंगा, फिर हम लोग अगला डिटेल में चलेंगे। ये सारी चीज समझ में आ गई आपको, प्रॉपर्टीज वगैरह इसकी बात करें एक बार फटाफट से। तो यहाँ पर क्या था, करंट प्रोड्यूस कर रहा है और इस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, जब भी करंट मूविंग होता है, कॉन्स्टेंट और जनरल मूविंग करंट मूव करेगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब देखो, जैसे एक वायर है और इस वायर में से आपने ऐसे करंट दी, ठीक है, तो अब अगर यहाँ से करंट मूव कर रहा है तो हमेशा 100% क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड। सर वो कितना करेगा, क्या करेगा, अभी हमें नहीं जानना, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं करा दूंगा, टेंशन ना। हाँ, मैग्नेट ले जाएंगे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो दिखेगा आपको, अभी कराऊंगा मैं ये सब चीज़ें भी कराऊंगा। आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, बस तो बस मैं आपको इंट्रोड्यूस दिखा रहा हूँ मैग्नेटिज्म क्या है, ये तो ही बस थोड़ा सा वो डाला है शुरुआत किया है ना, अगली क्लास में देखना। हमारी एनसीईआरटी तो आराम से दो लेक्चर में खत्म हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैग्नेटिज्म समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे, वो कैसे आएगा, इस बात को ध्यान से। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे आप, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे और जो आपका पाम होगा ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। देखिए, करंट की डायरेक्शन में आपने अपना थंब रखा और एक पाम अंदर की तरफ जा रहा है, मेरा पाम बोर्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि अंदर जा रहा है, तो अंदर वाले को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्रॉस से। ये जो क्रॉस होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, अंदर की तरफ है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा एट पॉइंट पी आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आपका आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। और अगर यही चीज मैं आप लोगों के पास क्यू पॉइंट पे पूछता हूँ, देखो पाम ऐसे जा रहा है, पाम ऐसे जा रहा है ना, इस पॉइंट के लिए करंट चेंज तो नहीं कर सकते आप। अब देखो करंट ऐसे पकड़ना पड़ेगा, तो पाम देखो किसकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बाहर की तरफ आ रही है। तो जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो ध्यान से समझ में आ गया ना, करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखा तो जो हमारा पाम होगा ये क्या बताएगा हमें, अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्यू पॉइंट पे है वो हमारे पास बाहर की तरफ आता है, और जो बाहर की तरफ आता है बेटा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर, आपकी तरफ। क्रॉस को इनवर्ड, इसको आउटवर्ड, इसको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको आउटवर्ड मैग्नेटिक, क्लियर है। दूसरा तरीका ये भी है, थंब आपके करंट डायरेक्शन में हो जाए और फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ही मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। देखो आपके ध्यान से, कर्लिंग करोगे तो ये अंदर जाएगी फिंगर्स, और यहाँ से कर्ल करके घुमाओगे तो यहाँ से बाहर आएंगे, ये अंदर गई यहाँ से बाहर आएंगे, तो ये अंदर वाली क्या हुई, इनवर्ड, और यहाँ से कर्ल करोगे तो बाहर आ रहा है, समझ आ रहा है ना, ऐसे पकड़ लूंगा। तो देखो इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है और इस पॉइंट पे देखो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, यहाँ से तुम्हारी तरफ जा रहा है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ से देखोगे तो पी पॉइंट पे तुम्हारी तरफ, क्यू पॉइंट पे मेरी तरफ, वो इनवर्ड, ये आउटवर्ड। समझ में आया, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को। अब एक बार ये जो मैंने ओवरक्राउडिंग वाली बात करी, इसकी बात करके फिर आपकी चीजें खत्म कर देता हूँ बस, ठीक है, लास्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा तैयार रहना होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा पाथ बनाती है, दे ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप, क्लोज लूप बनाते हैं। तो बेटा ये जो क्लोज लूप भी होंगे ना, वो ऐसे होंगे, देखो ध्यान से, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर हमारे पास आता है, तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है ना, अब एक क्लोज लूप बनाएंगे, तो ध्यान से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप यहाँ पे अगर आप मैग्नेट के पार्टिकल्स स्प्रिंकल कर दोगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लूप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो इसके पास से क्लोज लूप आया, देखो ऐसे, ये ऐसे, समझ पा रहे हो, 3D डायग्राम समझ पा रहे हो, कोई क्या कहानी समझाना चाह रहा हूँ, ये एक वायर है, यहाँ पे आपने
क्या कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिए अपने छोटे छोटे पार्टिकल, पता है ना आपको आयरन फिलिंग्स अगर स्प्रिंकल कर देते हैं तो आयरन फिलिंग्स कैसा शेप लेंगी, वो हमारी सर्कुलर शेप मैग्नेटिक फील्ड में, एक वायर के अलॉन्ग में जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो हमारे पास ऐसे आएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं करंट की, ध्यान से सुनो बेटा अभी, करंट डायरेक्शन ये थी, अब एक काम करता हूँ मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूँ, तो आप देखना जरा आपके पी और क्यू पॉइंट के आंसर चेंज करेंगे क्या। सर चेक कर लेते हैं, अगर आपने सर करंट ऐसे दौड़ा रहे हो तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्यू की तरफ अंदर जा रहा है, पहले क्यू की तरफ क्या आ रहा है बाहर, तो यहाँ पे क्यू के लिए क्या हो जाएगा अंदर, और सर इसके लिए अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तो सर ऐसे रखेंगे सर ये रखा जाएगा, सर थंब पाम आपकी तरफ आ रहा है सर, तो पाम यानी कि पी पॉइंट पे आउटवर्ड्स। तो सर इससे हमें क्या पता पड़ता है, इससे बेटा हमें ये पता पड़ता है अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, और इसका जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में बताया है वो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई मैग्नेटिज्म की, यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट, सिर्फ बेसिक की क्लास थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई है और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया है कि करंट से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, किधर प्रोड्यूस हो रहा है, बस इतनी सी चीज़ मैंने आपको बताई है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है, ठीक है, तो आज के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास छोटी रखेंगे, यहीं तक रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।